हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और देख सकते हो, हेलो सो गाइस, अभी देख सकते हो मैं अपन रेडी हो चुके और नेपाल जाने के लिए। और आप लोग को दिखाने, लाइट जल गया। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा लगेज भी पैक हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे सारा, यहाँ पर मेरे कपड़े, यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारा कपड़ा सुपड़ा फिट कर दिया। और ये वाला भाई का सामान है, भाई लोग का पता पहुँचाने का है। और ये अपन का मोबाइल का चार्जर इसी में डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर लिया हूँ, रास्ते में दिक्कत ना हो इस करके कल लेके आया था ये नमक। और इसको हम पैक कर देते हैं मेला आराम से, इसको भी ले जाना पड़ेगा। बाल थोड़ा सेट, बाल कटिंग किया था, कैसा लग रहा है? ठीक है। और आज नेपाल जाएंगे, आज ज़्यादा दिन के नहीं, 6 दिन के लिए जाने वाला हूँ, 6-7 दिन के, एक हफ्ते के लिए। और अपन जल्दी जल्दी, मेरा दूसरा फोन है और ये अपन के चश्मे। और कैसा लग रहा हूँ, एक्टर लग रहा हूँ ना? लाइक कर दो, लाइक कर। इसको हम पैक करते, ठीक है। बस खाली है, पैसा नहीं है, इसको भी आगे वाले में रखने का, क्योंकि पीछे चोरी भी हो सकता है। और गाइस अब इसके करते हैं, हमें लॉकेट बंद कर देंगे। मैं जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ और जल्दी जल्दी गाइस, और नेपाल तक पहुँचने का कितना दिन लग जाएगा सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। अभी सुबह 6 बज चुका है और अब मैं निकलता हूँ भाई लोग को उठा के, ठीक है। हेलो गाइस, अब मैं जाके यहाँ से निकलने का टाइम पे, गुड मॉर्निंग। और देख सकते हो सुबह सुबह मैं रेडी हो चुका हूँ और आज जाऊँगा फाइनली। और देख सकते हो मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ अपने घर, और भाई पीछे आएगा। जल्दी आ जाओ जल्दी। आज थोड़ा खुश भी है नेपाल जाने का, और इसी में यार मेरा 34,000 सब्सक्राइबर कंप्लेंट हो गया था कल रात को, जब मैं जाके बाल कटिंग कर रहा था तो फिर 34,000 सब्सक्राइबर कंप्लेंट हो गया। और उसमें भी बहुत खुश लग रहा है, और मैं बोला था कि पहला वाला वीडियो में जब 34,000 सब्सक्राइब तो हो जाएगा था, एक्टिवा एक्टिवा, अच्छा तो जब 34,000 सब्सक्राइब हो जाएगा था, मैं सोचा था कि 10,000 रुपये डोनेट करने वाला था, मतलब उस टाइम नहीं हो पाया। 34,000 सब्सक्राइब कंप्लेंट बहुत ज़्यादा दिन के बाद हो गया। और देखते हैं खुशी में क्या करेंगे, पहला निकलते हैं और बस में जाके करते हैं गाइस। और भाई भी निकल गया, चलो यहाँ पर डाल दिया सामान, मैं चला हूँ, चलो मैं ही चला के जाता हूँ, ठीक है। लो गाइस, फाइनली देख सकते हैं हम यहाँ पे नवीदा चौक पे आया, जहाँ पर हमारा बस आएगा। यहाँ पर हमारे भाई लोग बैठ रहे हैं और देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग, जय हिंद। और यहाँ पर हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठ चुका है, और मैंने उधर फ़ोन किया था भाई को, अभी जो हम बस जाना है जिससे कांटेक्ट किया था उन लोग आएगा, उससे फिर हम बस में जाएंगे, ठीक है गाइस। तो बस में चढ़ के दिखाने वाला हूँ। इसलिए हम यहाँ पे आया, यहाँ पर हमारे भाई लोग और दूसरा जहाँ सुपा देवराली और एंड प्राली में प्रल से जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर सारे नेपाल जाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते भाई लोग बैठ रहे हैं, और उधर कूलर फैन और मंजा भी लेके जाने वाले हैं यहाँ से। और गाइस हम थोड़ा देर वेट करते हैं और बस आने का, बस आएगा तब हम चलते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे बस आ चुका है और हम जाने वाले, अब जाएंगे, ठीक है। और हमारा बस है ये, हमारे भाई यहाँ पे बैठ रहा है, और आप उनका बैग इधर। हमारा यहाँ पे बस आ चुका है और हम जाने वाले, अब जाएंगे, ठीक है। और हमारा बस है ये, हमारे भाई यहाँ पे बैठ रहा है, और आप उनका बैग इधर। फाइनल गाइस, मेरा भाई से मैं जा रहा हूँ और नेपाल, हेलो, और भाई के कांटेक्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। अभी से मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे भाई लोग जाने वाले हैं नेपाल। अभी फाइनल गाइस, और रास्ते में कुछ दिक्कत हो जाएगा नहीं हो जाएगा अभी जाके पता चलेगा। अभी चाहिए फाइनली मैं बैठ चुका हूँ बस में, मैंने भाई लोग को छोड़ दिया, ठीक है। चाहे अभी फाइनली यहाँ पर नेपाली टी
ढाबा बिरयानी वाला पे यहाँ पे आए, और यहाँ पे हम पहला खाना खाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सब नेपाली ढाबा, और इनले हमारा बस यहाँ पर है। ये वाला कपास में गरीब काट दे रहे थे क्या, है ना। अभी चाहे यहाँ से हम निकलने वाले हैं, और यहाँ पे खाना खा लिया हमने, और यहाँ पर बहुत अच्छा नेपाली खाना है, जहाँ पर हमारे सारे नेपाल के लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। और हम दो चार दिन के बाद फिर वह यहाँ पे वापस होएंगे, ठीक है। और ये वाला बस जाने का रेडी हो चुका है, और ये वाला भी हमारा जाने वाला है रेडी। और यहाँ से निकलते हैं, ये सोचते बागलुंग है ना, बागलुंग से मतलब बागलुंगबाट हम साथी अनि गाड़ी में भेटे है। अब चाहिँ हामी बुटोलसम्म सँगै जानियो, अनि बुटोलपछि बुटोलबाट छुट्टी हाल्छौँ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अलि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भिडियोलाई, युट्युब च्यानलको होइन। अनि कहिले भाइसँग हामी कुरा गर्दै गर्छौँ होइन, फेरि पनि। अनि यो नेपाल ढाबा, अनि यहाँ चाहिँ हामी बिहान कति 7 बजे चढेको बसमा, अहिले 2 बजे होइन, 2 बजेतिर बल्ल खाना खान झारेको, लास्टै भोक लगाइरहेको थियो बिहान, अनि खाना साना खाएर अहिले चाहिँ यता अब चाहिँ राखिन्छ है गाइस। अब अर्को हाम यहाँ पे जङ्गल उत्रे, र हाम्रा झापाका भाइ बस्ने, और हम बॉर्डरमै पुग्नेमै लागेका 2 घन्टे पुरा म्याक्सिमम्, र हाम जबै बस्छ उतरेंगे बॉर्डरमै पहुँच जाएंगे, उस टाइम भी भिडियो बनाएंगे। सारी रात सोए नहीं है और नींद बहुत आ रहा है। हाँ भाई को, और एक दिन पूरा लाएगा, 24 घंटा लाएगा, 24 घंटा लाएगा। और मेरे को घर पहुँचने में अब ज़्यादा से यहाँ से 4-5 घंटा लाएगा, और जाके देखेंगे, ठीक है गाइस। अभी जगह फाइनली देख सकते हैं, हम अपने बस से उतर चुके हैं, और यहाँ पर हमारा सामान लगा दिया, और यहाँ से निकलने वाले हैं। इधर भाई लोग सारे इधर है, और थोड़ा सा भाई लोग इधर है ऊपर, और इधर भी सारे लोग हैं। और यहाँ से निकलते हम पहले फुर्सत में, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, आज बहुत यहाँ पे 7 बजे आने का टाइम था, मतलब 12 बनने वाला है, लेट हो गया। और अभी घर पहुँचने में लगेगा और 5 घंटा तक जाएंगे, घर से क्या रिलेशन मिलेगा, जाना है तो पोखरा देखते हैं। सारा कुछ जा चुका है यहाँ पे, यहाँ के आगे सामान हम पीछे पीछे, और यहाँ पे अब हम बॉर्डर एंट्री करने वाला है, यहाँ पर आके वीडियो मतलब अलाउड नहीं है, इसके बाद करेंगे आगे जाके, ठीक है। हमारे चेकिंग ये भैसको है ना, माइ मेरे पर बॉर्डर बड़ा अगड़ी लाइस हम, और अब आगे का सीन है, और बस चढ़ने का टाइम, ठीक है अभी जाएंगे, ठीक है। हमारा बैग, और शायद आगे भी चेकिंग नहीं होएगा अब यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने मास्क ले लिया, और इसके बाद हमारा नेपाल का फ्लैग है। हाँ मैंने मास्क नहीं दिया ना, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। अरे नेपाल के फ्लैग लिए एक रुमाल है, तो मैंने इधर रखूँगा, गर्मी बहुत है, ठीक है। और मास्क लगाएंगे यहाँ पे, इससे हम बुटोल का लाए, बुटोल के लिए बस में आ चुके हैं, देखो गर्मी। गर्मी का बुरा हाल कर दिया है,
फाइनली हम यहाँ पे नेपाल बस भूटोल बस स्टेशन आ चुके हैं और हमारा इधर उतर रहा है और इसके बाद अब हम फिर दूसरा बस चेंज करके जाने वाले हैं। आज जाएंगे हम प्रवास बास्टारी जहाँ पे घर जाके देखेंगे। ठीक है, अभी गाइस देख सकते हो मैं अपने भूटोल पे आया हूँ, भूटोल बस पार्क। और यहाँ भूटोल बस पार्क से अभी बस चेंज करने का नहीं मिला, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आज यहाँ आने तक बहुत लेट हो गया, इस टाइम तक मैं घर पहुँचने वाला था, यहाँ पे नहीं पहुँच पाया घर तक। और सो गाइस अभी यहाँ पे मैं देख सकते हो और गर्मी बहुत ज़्यादा है और बस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और मैं जाने का पूरा करके खड़े खड़े पसीना बहुत सारा आ चुका है और बहुत कपड़े भी गीला हो चुका है और यहाँ पर पसीना पूछ पूछ के रहला। और मेरे साथ में अंकल भी है, अंकल पे जा रहे हैं पालपा और मैं भी जाने वाला हूँ पालपा। मैं पालपा से थोड़ा आगे पहले उतारने वाला हूँ पालपा आने से पहले। अरे मेरा फ़ोन यहाँ पर देख सकते हो, चार बज चुका है यहाँ पर और चार बजने के बाद भी अभी बस नहीं मिल रहा है। 4:30 बजे का बस मिलने का बोल रहा था और मैं सोचा कि पहले निकलता हूँ और जगह ही चब भाई अभी भी नहीं मिल रहा है बस। अब देखते हैं कितना टाइम तक मिलेगा। और सो गाइस फाइनली यहाँ पर बस मिल चुका है मेरे को और यहाँ पे देख सकते हो अब मैं जाने वाला हूँ। और मेरे साथ के अंकल चढ़ चुके हैं अंदर और मैं भी बोला कि मेरे पास ये बैग किधर रखना है, मेरे पास एक टैची है। और वो अंकल कह रहा है कि पीछे डिक्की में रखना पड़ेगा। चल मैं सोचा कि डिक्की में रख देता हूँ। अंकल कह रहे थे कि तू डाल दे मैं पकड़, मैं बोला कि आप डाल दो मैं पकड़ता हूँ डिक्की। और मैं यहाँ से निकलता हूँ अंदर जाने के लिए। अरे हाथ में छोटा सा बैग है। उसके बाद अंदर मैं घुस गया और मैं सोचा कि आगे जाता हूँ और सबसे आगे जाके बैठता हूँ मैं। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा था और फाइनली बस में के आके बैठने के बाद देख सकते हो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ आकाशी पुल से आगे। अब जा रहा हूँ मैं पालपा गुलपारक की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का सीन। गाइस जब भी मैं आने वाला पहुँचने वाला था गोलपारक और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए यहाँ पर इस जगह पे गड्डी खड़ी होता है यहाँ पर पैसेंजर के लिए, यहाँ वेट करता है। और मैं भी चलो देखता हूँ कितना देर इसके मैं अंदर ही बैठता। गर्मी बहुत ज़्यादा था बाहर, गर्मी यार बहुत ज़्यादा यार, देखो गर्मी क्या हाल है। यार ये भूटोल का गर्मी है बहुत ज़्यादा है गर्मी यार। चलो ठीक है फिर भी, और कल करेंगे हम पोखरा का टूरिस्ट, पोखरा घूमने जाएंगे कल। और
दो दिन रहेंगे हम, दो दिन रहूँगा मैं पोखरा, दो दिन के बाद फिर काठमांडू पशुपति, पशुपतिनाथ जाना है, उसके बाद। अरे यार इस गर्मी ने तो पूरा हाल कर दिया यार। हम जाने वाले काठमांडू बालेनसा के शहर में, वहाँ पे जाके धरना चढ़ेंगे और पशुपति मंदिर घूमेंगे। और आप लोग सपोर्ट करते रहना, और मेरे यूट्यूब चैनल में ना हो तो कहीं जाके सब्सक्राइब कर देना। अरे आप लोग को पालपा भी दिखाना है, नहीं दे तो चल दे दो, दे दो दिन दे दो कति को कति का दाई 30 रुपये। फिर म गई हाल नि दाई चाहिए दाई से दाई बोल रहे कि पहले पानी पी लो, पैसा बाद में आके दे देना। इतना तो कौन है चलो बहुत ठंडा पानी मिल गया। चल यार इस गर्मी में दाई ने पानी पिला दिया, 50 रुपये तो मिलता है। खुला पैसा नहीं है, गर्मी नेपाल के नोटे कैसा है नेपाल के 100 रुपये। लाउनु 50 रुपये दिनु, मलाई 50 रुपये दिनु, 50 दिनु। यस्तो ठन्डीमा पानी पिलाइ, यस्तो गर्मी भए तपाईँ नै 50 दिनु, नै नै 50 दिनु। मैंने 50 रुपये में खरीद लिया पानी। इनका बेटे का ना जो मिर्गुल आता है, कितनी मतलब कुछ खराब है, उनको बोल रहा है कि सॉरी फॉर द हेल्प ऑफ द कब नहीं था ऐसे दे हाथ से के पड़ो। चलो गाइस देखो वो कह रहे कि उनका बेटा है ना अभी हॉस्पिटल में है, उन कह रहे कि थोड़ा है जितना सको 10, 20, 5, 1 रुपये हेल्प ही होता है भाई। चलो देखते हैं, ठीक है हेल्प तो करना पड़ेगा। चल थोड़ा पढ़ते लेते हैं, ठीक है वीडियो बना करके बनाना मत करा दे भाई। हेलो खुला पैसा छ, खुला छ 100 का भा दिन न, 500 को 500 को खुला दिन न। नहीं नहीं आई ना पर
लो ना, 200 रुपये देते, ज़्यादा नहीं। लो लो आमा कहीं नहीं चलो गाइस, मैं आगे जाके वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो भी। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं कल पोखरा के लिए निकलना है और रात जाएंगे पालपा रहेंगे, कल पोखरा के लिए निकलेंगे। 2 दिन पोखरा रहेंगे, उसके बाद काठमांडू के निकले, काठमांडू निकलेंगे, काठमांडू 5 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे पालपा से फिर जाएंगे चितौन होके हार निकलेंगे फिर इंडिया। गाइस अभी निकलते भाई, यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो खतरनाक रास्ता है इसको बोलते हैं। यहाँ पर सारा पहाड़ी इलाका है, मतलब इधर का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता रहता है इस मार्ग। यहाँ पर अभी काम चल रहा है हाल फिलहाल में। यहाँ पे अभी इसको क्या बोलते हैं, कर रहे हैं चीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, हिजो बिहान भोलि 12 को नम्बर हो ल। पैक करेंगे चिलरोटी, चिलरोटी और इसके बाद यहाँ पे बटुक रोटी, हाँ इतनी करेंगे। उनका यहाँ से हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है और बस उतर के जा चुका है और फिर ऑटो करना है और लास्ट ऑटो है हमारा इधर और ऑटो करेंगे और तब फिर अब गांव आएगा, गांव घर में जाने के 10 मिनट सिर्फ। अभी मैं घर पे आ गया, किशन से है हमारे भान जी समझ आइयो।
बाबू कहीं बाबू भी जैसा सीधे हाँ सीधा करा समझ हेलो गाइस तुम कोई नहीं कहीं संजू कहीं आ दीदी बन बार की रोज़ आना नहीं माँ नहीं बनी था क्यों क्यों नहीं रसले था है ना आज उन लोगों के अंदर के वन से लाती मारा नहीं समझते कहीं मैं तो कहीं मैं जो भी नहीं करूँगा ठीक है ठीक है हाँ भाई मैं तो लाई आ था सुना अच्छा वहाँ से अपने घर अपने घर पे आ चुका हूँ क्योंकि मैं किसी को पता नहीं था यहाँ मैं आने वाला हूँ और मैं आया और कल का टूरिस्ट बने वाला है हमारा पोखरा का हम खोले कता था क्या नानी हेलो बना ये मेरा बड़ा बेटा है ना अरे ये हमारा रहता है इधर इधर आ गया हमारा छोटा बेटा है गाई जब का हमारा यात्रा खत्म हो चुका है मैं घर पे आ चुका हूँ और अब हम निकलने वाले हैं परसों पोखरा के लिए चलो नेक्स्ट टाइम निकलते पार्ट टू आएगा।